कुछ लोगों का ऐसा ही है, तुम किताब कागज की लेखी, मैं किताब आंख में की देखी। शिव के स्वरूप का चिंतन और उन्हें वाक्यों में बांधना, शब्दों में बांधना और साधना की अनुभूति, ये दो तरह की बातें हैं। उसमें भी भगवान शिव के दोनों स्वरूप, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। निर्गुण निराकार की दृष्टि से हम सब लोग जैसे की स्तुति करते हैं, नमामि समीशान निर्गुण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मभेद स्वरूपम, उसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक, परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है। वैसे तो ये अनुभूति सर्वत्र है, व्यापक है, ये इतना आसान भी नहीं है जानना। गुरुवाणी में भी कह दिया, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, काहे रे बन भोज खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा अलेप, रहता कहां है? अगर सर्वनिवासी है तो केवल उज्जैन में रहता है या सब जगह रहता है, अनुभव कैसे करेगा? और कहां कहां प्रकट होता है, कैसे कैसे प्रकट होता है? जैसे साधु संत बोलते रहते हैं, भाई घट में घटा पास, आकाश ना कभी कहीं बंधता है और ना कहीं आता जाता है। कोई आकाश ढूंढने के लिए हवाई जहाज से ऊपर जाए या जहाज या खुदाली लेकर जमीन को खोदे, आकाश कहां मिलेगा? तो परमात्मा कहां मिलेगा? वो जो विभु है भगवान शंकर ने तो वहां जब सब देवता खड़े थे तब उनके सामने ही कह दिया था, कहां जा रहे? बोले बोलो। क्यों बोले? भगवान वहां मिलेंगे, वैकुंठ जा रहे हैं, स्तुति करनी है क्योंकि धर्म पर संकट है। तो तभी तो उन्होंने कहा था भगवान तो सर्वत्र है। तो अगर सर्वत्र है तो सर्वत्र जाने कैसे? पहले तो सर्वत्र जाना, फिर सदा जाना। अच्छा, सदा सदा रहता है कैसे पता चलेगा? सर्वत्र तो थोड़ा कठिन भी है, पहले सदा ही नहीं पता चलता है। और वो किस रूप में रहता है? सदा का मतलब है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता है, जो भूत भविष्य वर्तमान में रहता है, ऐसा जो शिव है, इसे विभुम व्यापकम कहा है, जो विभु है उसे आप अन्यत्र नहीं खोज सकते। इसलिए यो बुद्धि वर्तस्तु सहा, जब तक आप मन बुद्धि के पीछे, इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो स्पष्ट कह दिया था कि जो करोड़ों श्लोकों में कहा गया है मैं आधे में ही कह देता हूं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ये जीव क्या है? ये जीव अगर ब्रह्म है तो फिर ये जीव की ब्रह्मता को हम गुरु के द्वारा, तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा श्रवण करके अहम ब्रह्म के रूप में जब तक नहीं जानेंगे, तब तक शिव तत्व का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसको नहीं जान सकते। सगुण साकार के रूप में जो पूजा पद्धतियां हैं वो सब, उन पर भी यहाँ चिंतन होगा। भगवान शिव के बहुत सारे रूपों का जो वर्णन किया है, जब आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे, क्योंकि भगवान शिव स्थूल तो नहीं हो सकते, इसलिए ज्योतिर्मय वहां कह दिया है, ब्रह्मा और विष्णु भी खोजने गए, कोई ऊपर गए कोई नीचे गए,
इसका मतलब है, ब्रह्मा का मतलब है कि बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, चित्त के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो मन बुद्धि का विषय नहीं है, यो बोध्य परतस्तु, मन बुद्धि का विषय। इसलिए जहां जहां तक मन और बुद्धि विचार करेगा, फिर बाद में कह दिया ना इति ना इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अंत में यदि दृश्यम तद तद अनित्यम, जो दृश्य बनेगा, कुछ भी जो दृश्य बनेगा वो अनित्य है, जो जानने में आएगा वो भी अनित्य है। जो जानता है, जो जान, जो सदा जानता है, उसे शिव के रूप में जानना होगा। तो कुछ विषय साधना के हैं, यहां साधना पद्धतियों पर भी चर्चा होगी। और इस विषय में चूंकि भी तुम्हें कुछ लोगों से ऐसे ही कह रहा था कि भाई उसके पहले शैव परंपरा का जब महोत्सव था तो यहां साधु संतों को बुलाकर चर्चा नहीं हुई, विषय का कुछ उनके सामने कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, कैसे आयोजन हो। पहले तो अभी अभी किसी से ये भी कहा कि आपने शिव परंपरा का निर्वाह करना था तो उसके लिए शैव परंपरा के जो मुख्य धरोहर है, ऐसे कुछ लोग यहां मिलकर के पूछना चाहिए थे। लेकिन फिर भी चूंकि ये आयोजन मुझे लगता है कुंभ के बाद चिंतन का, अगर माननीय शिवराज सिंह जी कुंभ में भी ऐसे चिंतन के बहुत सारे विषय उन्होंने कुंभ में किए, आज पुनः धार्मिक दृष्टि से ये भारत, चूंकि हमारे यहां ऐसे ही माना है ना, अभी आप सुन रहे थे चार पुरुषार्थों की बात, अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म व्यक्ति को भारत ही देता है और धर्म ही व्यक्ति को व्यवस्था देता है, धर्म ही व्यक्ति को व्यवस्थित जीने के संस्कार देता है। अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य पशु होगा। पाश्चात्य मानते हैं कि धर्म की आवश्यकता नहीं, अर्थ और काम की ही जरूरत है, मोक्ष तो वहां है ही नहीं। फिर धर्म बोले धर्म का, धर्म की क्या जरूरत, धर्म तो हम दंड से कर लेते हैं, व्यवस्था बनानी है ना समाज की तो हम दंड से कर देंगे, जरा सा आप व्यक्ति समाज का अपराध करेगा दंड देंगे। लेकिन हमारे यहां यह है कि अगर दो घर में जवान बेटा और जवान बेटी घर में है तो भी उनके अंतर मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है, यह भारतवर्ष के धर्म की देन है। और धर्म व्यक्ति के जीवन को व्यवस्था देता है, अनुशासन देता है और समाज में रहने की व्यवस्था देता है। उस धर्म का हम सब लोग पालन करें। इस शैव परंपरा के महोत्सव में तमाम तरह की पूजा पद्धति, साधना, चिंतन, उनके स्वरूप का चिंतन, निर्गुण चिंतन, निराकार चिंतन और साकार सगुण चिंतन, इन सब पर विचार हो। और सबसे बड़ी बात अंत में तो यही है कि वह भगवान शिव जो सर्वत्र हैं, सदा हैं, जो सदा शिव हैं, जो सदा शिव है, तो सदा शिव तो आपका अपना स्वरूप ही हो सकता है। क्योंकि अगर वो सर्वत्र है तो फिर यहां भी है। जैसे घड़े में पानी और पानी में प्रतिबिंबित आकाश, वो भी आकाश दिखता है, वो भी हिलता डुलता है जल के कारण, आकाश नहीं हिलता, उसमें दिखने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब वो भी हिलता डुलता है, चंद्रमा नहीं हिलता डुलता। ऐसे ही ये अंतःकरण में चिदाभास, चेतन का जो चिदाभास है वो अंतःकरण में हिलता डुलता है, अर्थात लगता है कि हम जन्मे हमारी मृत्यु होगी, लेकिन ये चिदाभास को लगता। इसलिए देखो मनुष्य की बुद्धि में और पशु की बुद्धि में इतना ही अंतर है कि मनुष्य भी कांच देखता है पर भ्रमित नहीं होता है, पर चिड़िया जब कांच देखती है तो भ्रमित होती है, चिड़िया उसमें चोंच मारती है, पीछे देखती है, चिड़िया घुसी है इसमें, ऐसा उसको भ्रम पैदा होता है।
वो चोंच लहू लुहान हो जाए, लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता कि अरे इसके अंदर कोई दूसरा नहीं, तू ही दिख रही है। मनुष्य है जो भ्रमित नहीं होता है, लेकिन कांच में भ्रमित नहीं होते हैं। अंतःकरण भी कांच ही है, जिसमें आप प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, पर अंतःकरण के बाद का जो स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है, जिसे हम जान करके मुक्त ताकि अनुमति यही यही है, दोनों बद्ध और मुक्त कोई अलग अलग नहीं है। अंतःकरण के साथ जो धर्म है वो सब बद्ध है, अंतःकरण का बाध होने के बाद जो ज्ञानी का स्वरूप है ये मुक्त स्वरूप है, ये शिव स्वरूप है, जिसे जान करके हम अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं।